नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत में आज हम बात कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की घर वापसी की करेंगे। तो 57 दिन के अज्ञातवास के बाद आखिरकार राहुल गांधी घर वापस लौट ही आए और तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के, जिनमें आज खुशी की लहर देखी गई, सड़कों पर उतरकर पटाखे जलाए गए। दूसरी तरफ ऐसे कुछ कांग्रेसी अंदर खाने से खबर है कि ऐसे कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेसी नेता हैं, जो राहुल गांधी के आने पर खफा खफा से नजर आ रहे हैं। आखिर राहुल गांधी के आने के अब क्या मायने हैं और आगे नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कितनी कारगर हो सकती है राहुल गांधी की वापसी, इस पर देखिए हमारी रिपोर्ट। कांग्रेस का राहुकाल आज समाप्त हो गया। 56 दिनों के आराम के बाद आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली वापस लौट आए। 23 फरवरी को संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले राहुल गांधी छुट्टी पर चले गए थे। हालांकि 56 दिन उन्होंने कहां बिताए इसकी जानकारी किसी को नहीं। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में राहुल की वापसी को लेकर खुशी का माहौल है। ये पहले से ही साफ था कि 19 अप्रैल को होने वाली कांग्रेस की किसान मजदूर रैली को राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं। लेकिन राहुल की गैर मौजूदगी में कुछ बातें ऐसी भी निकलकर सामने आई जिनको लेकर अब बवाल खड़ा हो सकता है। पंजाब में कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कांग्रेस नेतृत्व की कमान राहुल गांधी को सौंपे जाने का विरोध किया है। माना यह भी जा रहा है कि पार्टी में चल रही इसी खटपट को देखते हुए राहुल गांधी बिना बताए छुट्टियों पर चले गए थे। राहुल गांधी की इस वापसी के बाद कांग्रेसियों को किसान मजदूर रैली से उम्मीदें और भी बढ़ गई। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस किसान मजदूर रैली के जरिए केंद्र में मौजूदा बीजेपी सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। इस रैली में सरकार की किसान विरोधी नीतियों, भूमि अधिग्रहण बिल 2015, स्वामीनाथन रिपोर्ट, प्रभावित किसानों को मिलने वाले मुआवजे और किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा जाएगा। राहुल गांधी की अगुवाई और सोनिया गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस के किसान मजदूर रैली का रंग इस गांधी की चमक में ज्यादा दमकता है। ये कांग्रेस नेतृत्व की लड़ाई को साफ बयां करेगा। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कई तरह के सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह, शीला दीक्षित ने भी उठाई। ये वो नेता हैं, वो कद्दावर नेता है जिनकी हाईकमान तक बात पहुंचती है, जिनकी बात को तवज्जो दी जाती है। ऐसे में राहुल गांधी को नेतृत्व सौंपने को लेकर ये लोग अगर विरोध करते हैं तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर एक बड़ी खेप है जो राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने को लेकर नाराज है या उस खबरों को लेकर नाराज है। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है जिसमें राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मंजूरी दी हुई है। तो आराम के बाद काम पर राहुल गांधी तो लौटे हैं, लेकिन इन 57 दिनों के बाद अज्ञातवास खत्म करके राहुल गांधी की वापसी पर विपक्ष भी, माफ कीजिएगा, जो सत्ता पक्ष है, बीजेपी है और तमाम तरह की जो विरोधी पार्टी है कांग्रेस की, वो चुटकी लेने से पीछे नहीं हट रही है। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा तो यहां तक कह चुके हैं कि राहुल गांधी ये तय कर लें कि उन्हें राजनीति करनी है या नहीं, क्योंकि राजनीति में कोई काम पार्ट टाइम नहीं होता है। तो राहुल गांधी अपनी 57 दिनों के अवकाश के बाद आखिरकार वापस लौट ही आए हैं और नेतृत्व को लेकर कई सवाल इस दौर में उनके एब्सेंस में उठते रहे। तो ऐसे समय में छुट्टी पर गए राहुल गांधी जब अखिल भारतीय सम्मेलन के बारे में चर्चा हो रही थी, ऐसी संभावनाएं थी कि इसमें उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लंबे अरसे से कयास लगाए जा रहे थे। उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी के कई नेता अध्यक्ष पद पर सोनिया गांधी के बने रहने की खुली वकालत करते नजर आए। राहुल गांधी के नेतृत्व पर कई तरह के सवाल उठाए गए और जो लोग राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने की खबरों से परेशान हैं, दरअसल वो इसलिए परेशान हैं कि उन्हें डर लगता है कि राहुल गांधी जब अपनी नई टीम लेकर आएंगे तो उनमें उनकी जगह नहीं होगी। कई तरह से इस पर कह सकते हैं कि अलग अलग ऑब्जर्वेशन इस पर रखी जा रही है। हमारे साथ बीजेपी से राजीव जेटली जी फोन लाइन पे हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका। और
राहुल गांधी 57 दिन के अज्ञातवास के बाद वापस लौटे हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? संबित पात्रा जो कि आपकी पार्टी के नेता हैं और उन्होंने कहा है कि राजनीति कोई पार्ट टाइम की जॉब नहीं है, आपको यह तय करना होगा कि आपको राजनीति करनी है वाकई में या नहीं करनी है। देखिए, मैं बिल्कुल साफ तौर पर बोलना चाहता हूं कि राजनीति तो वो पहले भी नहीं कर रहे थे। पहले भी उनके पास एक ऐसा स्थान था जिस तरीके से एक लाडले बच्चे के पास होता है, जिस तरीके से एक स्थान उनको पार्टी में मिला था, वो जब चाहे जिसका भी मजाक बनाना चाहे, चाहे वो प्रधान पार्लियामेंट में पास किए हुए बिल को कभी फाड़ देते थे, कभी कोई हरकत करते थे, तो वो जो उनकी पार्टी के साथ साथ देश ने तो पहले ही नकार दिया था, उनकी पार्टी भी उनसे लगभग इरिटेट हो चुकी थी, तो उस वजह से वो कहीं गए थे, वो कहाँ गए थे ये हमें इस बात में नहीं पढ़ना है, लेकिन आए हैं वापस फिर से टाइम पास करने के लिए, तो वो आ सकते हैं। और उनकी पार्टी वालों को ये निर्धारित करना है कि किस तरीके की लीडरशिप उनको चाहिए, क्योंकि देश ने तो कांग्रेस को नकारा है और साथ में जिसको ये लीडरशिप का नाम देते हैं उन्हें लीडरशिप की तो मतलब ही नहीं पता, शायद उनको ये मायने ही नहीं पता होते क्या है इसके जी। तो मैं इतनी ही बात बोलना चाहूंगा कि आए हैं, बाकी अपना टाइम पास करना चाहते हैं जी, और क्या करना चाहते हैं वो तो उनको निर्धारित करना है, और कांग्रेस के जो लीडर हैं वो उन्हीं की रहनुमाई में चलना चाहते हैं, नेतृत्व क्षमता तो उनके पास है नहीं, मैं रहनुमाई इसलिए बोल रहा हूँ जी। तो ये सभी इनके इंटरनल मैटर है, उसमें ज्यादा हम हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। लेकिन राजीव जी, क्या लगता है आपको, मंथन कांग्रेस के अंदर लंबे समय से चल रहा है, लोकसभा चुनाव में हारी, कई विधानसभा चुनाव इस बीच हारे, आपको लगता है कि अध्यक्ष पद को लेकर जो होड़ मची हुई है, या फिर ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी के नाम को लेकर जो कांग्रेस के अंदर दो फाड़ की स्थिति अब दिखाई दे रही है, खुलकर सामने आया कैप्टन अमरिंदर सिंह, शीला दीक्षित, ये वो बड़े कद्दावर नेता हैं जिनकी हाईकमान तक पहुंचे, जिनकी हाईकमान में बात रखी जाती है, सुनी जाती है, उन पर विचार किया जाता है, अगर वो इस तरह से बात रखें कि राहुल गांधी को लीडरशिप नहीं सौंपनी चाहिए या वो उसके अगेंस्ट में आ खड़े हों, तो क्या समझा जाए कि कांग्रेस के अंदर अभी अध्यक्ष पद को लेकर या फिर उनका लीडर कौन हो उसको लेकर एकमत नहीं है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने एक परिवार को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है देश पे राज करने के लिए, और अब वो अगर हम इसे पार्टी का नाम दे तो ये अपने आप में एक बेईमानी हो जाती है, क्योंकि जब इनकी पार्टी का नेतृत्व किसी और व्यक्ति ने किया तो इस पार्टी ने उसका क्या हश्र किया वो भी आपके सामने रहा, इतिहास में जाके देख सकते हैं जी। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आपने अपनी गुलामी कबूल कर ली है कि एक परिवार को ही हक दिया जाए, तो उस परिवार में चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई और गांधी हो, बात ये आती है कि पहले अगर ये डेमोक्रेटिक पार्टी है तो ये पहले अपने नेता का चुनाव करें, और नेता का चुनाव करने की क्षमता इनके पास इसलिए नहीं है क्योंकि साइकोफेंसी इतनी हावी है, लोकतंत्र नाम का शब्द खत्म हो चुका है, चापलूसी शब्द से पार्टी चलती है या ये परिवार चलता है, और 67 साल देश को गुमराह करने में कामयाब रहे, इसके लिए मैं तारीफ जरूर करना चाहूंगा इनकी जी। ये क्षमता इन्हीं के पास थी, लेकिन आप जैसे चैनल न्यूज चैनल के माध्यम से जो लोग जागरूक हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि अब और इनकी इस बिजनेस को कहूंगा मैं, ये बिजनेस आगे राहुल गांधी को कुछ लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक नई खेप वो लेकर के आएंगे पार्टी के अंदर, और ये यूथ और जो इंटेलेक्चुअल एक तबका है उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करने का काम करें। बहुत शुक्रिया राजीव जेटली साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर प्रकाश जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। प्रकाश जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। प्रकाश सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। प्रोफेसर प्रकाश सिंह जी, राहुल गांधी 56 दिनों के अज्ञातवास के बाद वापस लौटे हैं, पार्टी के अंदर अध्यक्ष पद को लेकर किस तरह की गहमा गहमी है इसको आप बखूबी जानते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर लें, शीला दीक्षित की बात कर लें, जो खुलकर विरोध में आ गए हैं कि उनको अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए, राहुल गांधी को लेकर एक धारणा ये भी है कि पार्टी को रिबूट वो करने के लिए वापस आए हैं, एक नई खेप पार्टी में वो लाएंगे, ये खेप इंटेलेक्चुअल की हो सकती है, यूथ की हो सकती है, आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं? अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो क्या कुछ कांग्रेस की तस्वीर सामने आएगी आने वाले दिनों? पहली बात तो राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाया ही नहीं जा रहा है जी, ये जो चर्चा है वो बेमानी चर्चा है, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी से भाग जाने का एक तरह से जिम्मेदारी से वो भागते रहे हैं, तो इस नाते उनको फिलहाल जो मेरी समझ कहती है उन्हें अध्यक्ष बनाया ही नहीं जा रहा है। हाँ। और ये
एक बार फिर से कांग्रेस के नेताओं में आपस में लॉयल्टी दिखाने की होड़ लगी हुई है जी। और उस होड़ में अमरेंद्र सिंह जी, शीला दीक्षित, संदीप दीक्षित, ये सब लोग आगे नजर आ रहे हैं। हाँ। मेरा तो ये मानना है, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, हाँ, उसके अनुसार राहुल गांधी जी को अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है। हाँ, लेकिन प्रकाश सिंह जी, गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में तकरीबन यही बात दौड़ रही है, तभी बड़े बड़े नेता इस पर बयान कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं अगर नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी एज अ लीडर अगर कांग्रेस के होते हैं तो उन पर कई सारे लीडरशिप ना मिलने के पीछे के कारण ये नेता गिनाते हैं कि उनमें एक्सपीरियंस नहीं है, उनमें अनुभव की कमी है। आपको लगता है अगर इतिहास में पीछे जाएं तो कांग्रेस में राजीव गांधी भी नेतृत्व कर रहे थे एक टाइम? जितने समय से वो राजनीति में हैं, ये कहना कि उनको अनुभव नहीं है जी, जितने चुनाव उन्होंने संचालित किए, लड़े, ये कहना अनुभव नहीं है, ये कहीं ये बेमानी बातें हैं। उनको राजनीतिक अनुभव है, वो अलग बात है कि जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, वो अलग बात है कि उनके पीछे चाहते हुए भी कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो खड़ा होने में सकुचा रहा है। ये कांग्रेस के बड़े नेताओं का आंतरिक संकोच है। इस नाते हम ये कहें, मेरा तो यही मानना है कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है। चलिए प्रकाश सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आम आदमी पार्टी से श्याम गुप्ता फोन लाइन पे हैं। श्याम जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ आपका कहना है? 56 दिनों बाद वापस लौटे हैं अज्ञातवास खत्म करके, और इस बीच उनकी खोज बीन भी जारी रही, तमाम लोग उनको खोजते रहे, लेकिन आखिर में जब वापस आ गए तो कार्यकर्ताओं में, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। अब लीडर, कुछ लोग उनमें अपना लीडर ढूंढ रहे हैं। आपको लगता है अगर ये टाइम है कांग्रेस का कि वो राहुल गांधी को आगे लाए और उनको लीडरशिप की कमान दे? जी जी, देखिए, वैसे तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है जी, लेकिन देश के दृष्टिकोण से, देश की जनता के दृष्टिकोण से राहुल गांधी राष्ट्रीय राजनीति में कहीं भी फिट नहीं होते, मेरा ईमानदारी से यह मानना है। राहुल गांधी में यदि कोई बड़ी योग्यता होती, बड़े गुण होते, देश के नेता बनने लायक होते हैं, तो पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की दुर्दशा नहीं होती। नंबर एक। नंबर दो, किसी भी प्रकार से आप देख ले, कांग्रेस के अंदर इतने सर फुटबॉल हो रही है, कुछ लोग सोनिया गांधी को पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, तो कांग्रेस वाले खुद ही माँ और बेटे के बीच एक दूरी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये पार्टी के अंदर इतनी दूरी हो रही है, तो देश के नेतृत्व राहुल गांधी किसी प्रकार नहीं कर सकते, मेरा यही कहना है इस बात पर। जी चलिए, बहुत शुक्रिया श्याम गुप्ता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस का राहुल काल क्या अब समाप्त हो गया है? क्योंकि लंबी छुट्टी के बाद राहुल गांधी वापस लौटे हैं, लेकिन उनके लौटने के कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग उससे निराश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि लीडरशिप की बात फिर से कांग्रेसी गलियारों में चल पड़ी है। क्या वाकई में राहुल गांधी को कांग्रेस के लीडरशिप की कमान दी जाएगी? क्या कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी को बनाया जाएगा? क्या अभी भी इन पर अटकलों और कयासों का बाजार गर्म है? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इसी मुद्दे के साथ, सियासत में जल्द होंगे हाजिर। मैं चक्र हूं घटनाओं के व्यू का, वो घटनाएं जो बनती है खबरें, खबरें जिनका सरोकार होता है आपसे, उन्हीं खबरों को सच के साथ दिखाता हूं मैं। घटना चक्र, रात 9:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं।
तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. ओवन चले जब सनन सनन, होने बहे जब आंगन आंगन, दिल हिले जब मगन मगन, गोपाराई मोटर स्टार्टर, अब मोटर स्टार्ट करें चुटकी में। राजनीति यानी शतरंज की बिसात, राजनीति यानी शह और मात का खेल, राजनीति की हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार, हर खबर पर हमारी है पैनी नजर। देखिए खास कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे मुद्दा मेरे साथ। राजनीतिक हलचल, राजनीतिक गलियारे, राजनीतिक माहौल, राजनीतिक सुखपुकार, राज की पूरी नीति, सच के साथ खबरें बेबाक। ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सियासत में आज हम बात राहुल गांधी के वापस लौटने की कर रहे हैं। आखिर राहुल गांधी वापस लौट ही गए, जिस पल का इंतजार कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को था और कयास ये लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी के वापस लौटने के बाद फिर से उनके अध्यक्ष बनने की जो पूरी कवायदे हैं वो तेज हो जाएंगे। गजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ कांग्रेसी नेता फोन लाइन पे हैं। गजेंद्र भारद्वाज जी स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। गजेंद्र भारद्वाज जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। राहुल गांधी वापस लौट आए हैं और राहुल गांधी के वापस लौटने के बाद फिर से एक बार कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कौन होगा इसको लेकर बहस फिर से चल पड़ी है। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह है, शीला दीक्षित है, संदीप दीक्षित है, लगातार वो राहुल गांधी के अध्यक्ष को अध्यक्ष न बनाए जाने को लेकर बातें कह रहे हैं। आपको लगता है कि अब भी कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष पद को लेकर मंथन जारी है और आगे भी जारी रहेगा? देखिए ऐसा है, कांग्रेस के कई लीडर्स की अपनी अलग ओपिनियन हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। और राहुल गांधी जी 56 दिनों के बाद स्वदेश लौटे हैं, उन्होंने आत्मचिंतन करा है और उस आत्मचिंतन के अंदर उन्होंने ये स्टडी करा है कि कांग्रेस को कैसे दोबारा स्ट्रेंथन करना है और किस तरीके से हम सरकार में वापसी कर सकते हैं, किस तरीके से हमें संगठन को मजबूत करना है। तमाम बातें राहुल गांधी जी सोच के, और निश्चित तौर पर देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर खुशी है कि राहुल जी अब नए क्लेवर से, नए तरीके से कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा स्ट्रेंथन करेंगे, दोबारा मजबूत करेंगे और देश भर का कांग्रेस की कार्यकर्ता सोनिया जी और राहुल जी की लीडरशिप में एकजुट है और हम चाहते हैं कि राहुल जी हमारे को लीड करें, सोनिया जी हमें गाइड करें, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इस तरीके से सोच है। नहीं गजेंद्र जी आप कह रहे हैं, लेकिन कई लोग जो बड़े नेता हैं जिनकी हाईकमान तक बात पहुंचती है, इनको सुना जाता है, जिनको समझा जाता है, शीला दीक्षित जो पूर्व मुख्यमंत्री, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री है, जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं कि अनुभव की थोड़ी कमी है, अभी और फिनिशिंग की जरूरत राहुल गांधी को है और थोड़ा सा तपने की जरूरत है सियासी गलियारों में, तो आपको लगता है कि तब ये बातें अहम हो जाती है, इसीलिए हम इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं। एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है जी। हर आदमी अपनी इंडिविजुअल ओपिनियन रखता है। अमरिंदर सिंह जी की अपनी पर्सनल ओपिनियन थी, शीला जी की अपनी पर्सनल ओपिनियन थी, लेकिन देश का कांग्रेस का तमाम कार्यकर्ता राहुल जी और सोनिया जी की लीडरशिप में एकजुट है। राहुल जी हमारे लीडर है, सोनिया जी हमारी लीडर है और देश भर का कांग्रेसी कार्यकर्ता इस बात की आशा रखता है कि राहुल जी फ्रंट आके हमें लीड करें, राहुल जी इस कांग्रेस को स्ट्रेंथन करें, कांग्रेस को और मजबूत करें, सोनिया जी की लीडरशिप में काम होगा, राहुल जी की लीडरशिप में काम होगा और देश भर का। चलिए गजेंद्र भारद्वाज जी वापस आपके पास मैं लौटूंगा। तरुण जी हमारे साथ बीजेपी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तरुण जी स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद धन्यवाद। आप सुन रहे थे गजेंद्र भारद्वाज को जो कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी की वापसी को लेकर चर्चा हो रही है,
लीडरशिप सौंपने को लेकर कांग्रेस में कम से कम दो फाड़ की स्थिति अब नजर आ रही है। आपको लगता है जैसा गजेंद्र भारद्वाज जी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी को लेकर स्वीकार्यता बढ़ गई है, एक्सेप्टेंसी है उस हद तक, चूंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हम सुनते हैं, शीला दीक्षित को सुनते हैं, संदीप दीक्षित को सुनते हैं, तो ऐसा दिखाई नहीं देता? ऐसा है कि पहले तो राहुल जी को बताना चाहिए वो कहाँ थे 56 दिन जी, और ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जो उनको विदेश में जाके मिलती है जी। भारत को समझने के लिए किसी गांव में जाना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? भारत की संस्कृति, भारत का राजनीति को समझने के लिए उनको गांव के किसी चौपाल पर बैठकर समझना चाहिए या भारत की सड़कों पर जाना चाहिए, वहां की समस्याओं को समझना चाहिए? पर दुर्भाग्य है कि देश सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी रही कांग्रेस का नेता देश की समस्याओं को हल करने के लिए विदेश जाता है, और मेरे को नहीं लगता कि वो उससे कुछ रिजल्ट देश को दे पाएंगे। हेलो जी, सुन पा रहा हूं आपको। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी जी के वहां से वापस आने और ना आने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जी। देश की राजनीति इस समय दो हिस्सों में बटी है, एक तो देश का बेटा है जो देश की इज्जत बनाने के लिए, देश के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए पूरे विश्व का भ्रमण कर रहा है नरेंद्र मोदी के रूप में, और देश की समस्याओं को हल करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, अपनी एबिलिटी, अपनी मेहनत। चलिए तरुण जी, मैं इस पर जवाब ले लेता हूं गजेंद्र भारद्वाज जी से। गजेंद्र भारद्वाज जी, ये सवाल तो उठेगा ना कि अगर राहुल गांधी को नेतृत्व तो सौंपने की बात अगर आप लोग कर रहे हैं, तो राहुल गांधी इन 56 दिनों में कहां थे? अगर मंथन के लिए निकले थे तो देश में क्या जगह कम थी मंथन के लिए? ये सवाल तो उठाएगा आपके प्रतिद्वंदी, वो उठा रहे हैं बीजेपी वाले। कमेंट्स पे हमें कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है जी। ना हमें किसी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। हमें इतना पता है कि ये हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है। राहुल लीडरशिप में, सोनिया जी की लीडरशिप में मजबूत है। ये बात जिन मोदी जी की कर रहे थे, ये मोदी जी विदेश जाते हैं और बात करते हैं कि इंडिया में स्कैम हुआ, पेन की तरह कोल माइंस बांटे गए, क्या इससे देश की इज्जत बढ़ती है? क्या नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है देश के, जब वो विदेशों में जाकर देश की छवि को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, उससे क्या देश की शान बढ़ती है? ये तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी वाले वैसे भी डबल स्पीक करते हैं, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के मुद्दे पे चुनाव लड़ा था इन्होंने, सेपरेटिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की बात करी थी, और आज इनकी सरकार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, मुसलम जैसे लोग और अलगाववादी जिस तरीके का माहौल बना रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, सरकार इनके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक मुसलम की गिरफ्तारी नहीं हुई, और तमाम सेपरेटिस्ट सिर्फ वहां पे हावी हो गए हैं। सिर्फ उसकी एक वजह कि भारतीय जनता पार्टी ने मूल एजेंडे को छोड़ दिया है और सिर्फ सत्ता सुख भोगने। चलिए हमारे साथ डॉक्टर शकील अहमद बीजेपी से फोन लाइन पे। डॉक्टर शकील अहमद जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। शकील अहमद जी, सुन पा रहे हैं? असल में जहां तक शीर्ष नेतृत्व का सवाल है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस का तमाम नेतृत्व देश के हर क्षेत्र में, ये जो सरकार बनी है झूठे वादों की, उन वादों के खिलाफ और जनता के पक्ष की लड़ाई लड़ी जा रही है और लड़ रहे हैं जी। बिहार में आज ही गया से लेकर के वहाँ छपरा तक 310 किलोमीटर की यात्रा आज ही खत्म हुई है। 19 तारीख को एक बहुत बड़ा जलसा। चलिए माफ कीजिएगा शकील अहमद जी, हमारा आज का दरअसल विषय राहुल गांधी को लेकर था। राहुल काल कांग्रेस का समाप्त हो गया, बहुत शुक्रिया लेकिन आप हमारे साथ जुड़े। आगे आपसे फिर किसी मुद्दे पर हम जुड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी वापस तो लौट आए हैं, कांग्रेस के लिए कितनी राहत होगी, या कांग्रेस के कुछ लोग ऐसे, कांग्रेस के अंदर खेप एक ऐसी होगी जो राहुल गांधी के आने से जरूर परेशान होगी। एक बार फिर से लीडरशिप किसको सौंपी जाए? सोनिया गांधी बरकरार रहे, राहुल गांधी को नहीं कमान सौंपी जाए, इसको लेकर कांग्रेस में भी मंथन जारी है। देखना होगा क्या कुछ फैसला कांग्रेस के अंदर से लिया जाता है। फिलहाल सियासत में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।